अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी फॉर नॉलेज। हर मुल्क का अपना एक कानून है जिसकी पासदारी उसके शहरियों पर फर्ज है। यकीनन ये कवानीन इंसान की फलाह व बहबूद के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे वो खुद को और दूसरों को किसी भी मुश्किल से महफूज रख सकेंगे। मगर दुनिया के बाद ममालिक ऐसे भी हैं जिनके बनाए कवानीन के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरान होने के साथ साथ शायद आप अपनी हंसी पर भी काबू ना रख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दुनिया के ऐसे ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कवानीन के बारे में। च्युइंगम चबाना मना है। अगर आप सिंगापुर की सैर करने के लिए जा रहे हैं या सिंगापुर में मौजूद हैं, तो अपने पास मौजूद तमाम च्युइंगम को नकारा कर दें, क्योंकि सिंगापुर में च्युइंगम खाना मना है। अगर आप वहाँ च्युइंगम खाते पकड़े गए तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अपने बच्चों को हुकूमत से मंजूर शुदा नाम दें। डेनमार्क में आप अपने बच्चे को कोई भी अपने पास से नाम नहीं दे सकते, बल्कि वहां सिर्फ ऐसे ही नाम दिए जा सकते हैं जो हुकूमत से मंजूर शुदा हो, और ऐसा नाम बिल्कुल नहीं दे सकते जो हुकूमत से मंजूर शुदा ना हो। डेनमार्क की हुकूमत ने 7,000 नामों पर मुबनी बच्चों के नाम की एक फहरिस्त बनाई हुई है। डेनमार्क के रहने वाले इस फहरिस्त के मुताबिक अपने बच्चों को नाम दे सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल भी काटना पड़ सकती है। खबरदार, पैडल से पांव मत हटाएं। अगर आप मैक्सिको की गलियों में कभी साइकिल चलाएं तो पैडल से कभी पैर मत हटाएं। मैक्सिको ऐसे अजीबोगरीब कानून की खिलाफवर्जी करने वाले को सख्त सजा दी जाती है। आप साइकिल के हैंडल पर से तो हाथ हटा सकते हैं, लेकिन पैडल से पांव नहीं हटा सकते। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोटापा अब एक जुर्म है। जापान में मोटापा एक संगीन जुर्म है। जी हाँ, जापान ने ये कानून अपने लोगों को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रखने के लिए राइज किया गया है। इस कानून के मुताबिक हर 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए लाजिम है कि वो अपने वजन का खास ख्याल रखें। मर्दों की कमर 32 इंच और खवातीन की कमर 36 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हील वाले जूते पहनना मना है। जी हाँ, यूनान में औरतें हील वाले जूते नहीं पहन सकती। खिलाफ वर्जी पर उनके जूते उतरवा लिए जाते हैं और जुर्माना भी किया जाता है। ये कानून सिर्फ तारीखी मकामात पर राइज किया गया है। यूनान की हुकूमत के मुताबिक हील वाले जूते तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीवी की सालगिरह भूलना मना है। अगर आप समोवा में रहते हैं तो अपनी बीवी की सालगिरह को कभी मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। समोवा पैसिफिक जजायर में वाकया एक आजाद रियासत है और अपने इस अजीबोगरीब कानून की वजह से मशहूर है, जिनमें बीवी की सालगिरह भूलने पर जुर्माना है जो सीधा बीवी के हाथ में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और मेरे फेसबुक पेज पर भी विजिट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।